से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी नेता बुक्कल नवाब इस बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार वो रक्षाबंधन के मौके पर कुछ ऐसा दिखाया कि लोग वाह वाह कर रहे हैं। बुक्कल नवाब में कुड़िया घाट पर गायों को राखी बांधकर उनके रक्षा का संकल्प दिलाया। पुराने लखनऊ में कुड़िया घाट पर बुक्कल नवाब ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और मुस्लिम समाज में महिलाओं को सामने आकर राखी बांधने को कहा। हम लोग राखी बांधते हैं कि गाय की सुरक्षा हो और उसकी सब लोग मिलकर रक्षा करें, इसलिए संदेश देना चाहते हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग यहीं से आए, शीश महल से। तो हम लोग नवाब साहब इस पार्टी में जुड़े हैं, हम लोगों को बहुत इससे लाभ है, बहुत आराम है, हर चीज हम लोगों के सारे काम होते हैं, तो इसलिए हम लोग इस पार्टी में। मोदी जी से क्या कहना है? मोदी जी से ये कहना है कि काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर विषय पे बहुत अच्छा हो रहा है, और तीन तलाक वाला बिल भी पास हो गया, उसकी भी खुशी है, सारे काम अच्छे हो रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं सारे मुसलमान। इस मौके पर बुक्कल नवाब ने कहा कि गायों की रक्षा के लिए पुराने लखनऊ में जल्द ही एक गौशाला बनेगी और यहाँ गायों की सेवा की जाएगी। कितनी गौशाला बनाई गई जहाँ पे आप ये खड़े हुए हैं, जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं, इसी जगह के ऊपर बस हम अगले 150 मीटर के ऊपर एक गौशाला बनने जा रही है। हाँ, और गौशाला बनने जा रही है, बुक्कल नवाब कह रहे हैं, टीवी के ऊपर कह रहे हैं, और आप देखिएगा कि वहाँ के ऊपर गौशाला होगी और इधर की जितनी भी गाय हैं वहाँ के अंदर गौशाला के अंदर होंगी। और मतलब नगर निगम से सारा कार्य हो चुका है, काम शुरू होना बाकी है, वो हमारे पास सब लोग वहाँ के आ रहे थे इंजीनियर्स के, कैसे करना है क्या करना है वो सब जगह उनको दिखा दी गई है। बहुत बड़ी गौशाला जो है ये कुड़िया घाट, जहाँ पर हमारे पिताजी ने शंकर भगवान का मंदिर, भव्य मंदिर बनवाया है, पूर्ण संपूर्ण मंदिर बनवाया है, यहाँ के ऊपर जो है एक बहुत बड़ी गौशाला जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो बनने जा रही है, हमारे योगी जी की तरफ से बनने जा रही है, हमारे अमित शाह जी की तरफ से बनने जा रही है, मोदी जी की तरफ से बनने जा रही है। वहीं इस मौके पर बुक्कल नवाब ने कहा कि विरोधी पार्टियां ही मॉब लिंचिंग और आपराधिक घटनाएं करती हैं, जिससे सत्ताधारी दल बदनाम हो। कौन सरकार चाहेगी? ये हमारी सरकार जो है ये मॉब लिंचिंग बिल्कुल नहीं कर रही है और ना हमसे कोई इससे लेना देना है, लेकिन ये है कि दूसरे जो विरोधी पार्टियां हैं वो जान के इस तरह के मतलब कराती हैं, और मतलब इसको ताकि मतलब हमारी सरकार जो है इस वक्त भाजपा की, हमारे योगी जी की, हमें मोदी जी की, अमित शाह जी की, सबसे बड़ी भूमिका हमारे अमित शाह जी की है, अमित शाह जी की, तो मतलब ये जो है ये उनकी बदनामी ये लोग कराना चाहते हैं। मतलब कौन सरकार चाहेगी? एक सरकार चाहेगी तो हमें उसका नाम बता दें कि ये सरकार चाहेगी कि हमारे यहाँ डकैती हो, चोरी हो, रेप। रक्षाबंधन के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और मोदी सरकार के फैसलों का स्वागत किया। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।